त्रिपुरा में बाढ़ के मद्देनजर एनडीआरएफ टीमों की तैनाती पर एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शहीदी ने बताया कि 21 और 22 अगस्त को त्रिपुरा राज्य में भारी वर्षा हुई, जिसमें 200 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हुई है। 23 लोगों के मारे जाने की सूचना है। 1000 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वर्षा को लेकर 9000 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। एनडीआरएफ की कुल 11 टीमें त्रिपुरा में तैनात है। कल रात तक बचाव अभियान चलाया जा रहा था। तकरीबन 900 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया है। राहत सामग्री और खाद्य सामग्री को भी उन क्षेत्रों तक पहुंचाया जा रहा है जहां एयरलिफ्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन सामान पहुंचाने की जरूरत है। देखिए, ये जो 21-22 अगस्त को भारी वर्षा हुई है त्रिपुरा स्टेट में, उसमें 200 एमएम से ज्यादा बारिश हुई है। तकरीबन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत ज्यादा बारिश हुई है। इसको लेकर के कई इलाके में इनंडेशन है, फ्लडिंग हो गया है, कई इलाके कट गए हैं। जो हमारे पास SEOC से सूचना मिली है, उसमें 23 लोग के मारे जाने की सूचना है। तकरीबन 1000 से ज्यादा घर जो है वो डैमेज हो गए हैं और कई रिलीफ शेल्टर्स बनाए गए हैं। तकरीबन 500 से ज्यादा रिलीफ शेल्टर्स ऑपरेट किए जा रहे हैं इस समय और काफी लोगों को वहां पर मदद मिल रही है। इसमें जो वर्षा हुई है उसको लेकर के तकरीबन 9000 हेक्टेयर एरिया जो है वो प्रभावित हुआ है, उसमें फ्लडिंग हुई है। और खास तौर पर जो सिपाही जाला है, वेस्ट त्रिपुरा है, साउथ त्रिपुरा है, ये सबसे ज्यादा अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जो एनडीआरएफ का यहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट है, उसमें मूलतः हमारा एक RRC है, रीजनल रिस्पॉन्स सेंटर। इसमें प्री मानसून जो हमारा डिप्लॉयमेंट होता है, उसमें 3 टीमें पहले से ही मौजूद यहाँ पर थी। और ये सिचुएशन को देखते हुए एक टीम 21 तारीख को सिलचर से रवाना की गई थी बाई रोड, और ये इंश्योर करने के लिए कि टीम्स हमारे पास सफिशियंट रहें। 4 टीम उसको होलंगी से एयरलिफ्ट किया गया था अरुणाचल से कल, और इसके अलावा 3 टीमों को बीटा एयरपोर्ट से भी एयरलिफ्ट किया गया। तो कुल मिलाकर के अभी 11 टीमें एनडीआरएफ की त्रिपुरा में तैनात हैं।